हेलो स्टूडेंट, आज हम कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज नंबर 3.11.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? ड्रॉ अ सर लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इनटू 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। अब इसमें मेजर टू पार्ट करना है। अब इसमें देखते हैं, हम लोग एक इसमें लाइन लेंगे जो कि कितनी कितनी सेंटीमीटर है, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी 7.6 सेंटीमीटर की और उसको हमने दे दिया, इसमें नाम दे देंगे ए और बी नाम दे दिया। अब उसको कितने में रेशियो में डिवाइड करना है? 5:8। तो 5:8 में उसको डिवाइड करना है, 5:8। तो हम लोग पहले 5+8 देखेंगे, इसके रेशियो में कितनी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसमें 13 आता है, तो 13 इसमें आर्क ड्रॉ हो गए। तो जो रेशियो है वो 5:8 में डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। फिर हम उसी रेस को यहाँ पर कितने में पार्ट करना है, कितने में पार्ट में डिवाइड करना है? 13 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बनाएंगे यहाँ पर, कोई भी थीटा ले लो। तो इसी को यहाँ से कंपास लेंगे, दो कंपास लेंगे, तो एक एक कट करने हैं 13, 1, इसी सेम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 हमने कट्स कर लिए। अब इसको नेमिंग भी दे दीजिए। तो नेमिंग है इसका है A1, इसका नेमिंग भी दे देंगे हम इसी प्रकार से। इसको नेमिंग देंगे A1, इस कट को देंगे A2, इस कट को देंगे A3, इसको A4, इसको A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A30, ठीक है ना। ये हमने नेमिंग दे दिया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो एक A13 है ये, आप ए भी मत पढ़ लीजिएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें। तो ये A13 है। तो हम इसके बाद दूसरा देखते हैं। ये इसको मैं काट देता हूँ, किसी को वो ज़्यादा नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। तो इसको मैं A30 करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या लूँगा मैं, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूँगा, इसमें से एक आर्क ड्रॉ करूँगा, यहाँ से कैंपस रखूँगा और ऐसे आर्क ड्रॉ कर दिया जो कि इसको कट होता हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसमें से ये लेंथ और ये लेंथ यहां पर सेम A5। अब क्या रेशियो, न्यूमिनेटर क्या लिखा है? 5:8 लिखा है। तो न्यूमिनेटर को 5:8 करने के लिए मेरे को हम A5 पे जाते हैं। A5 क्या बोलते हैं, देखिए A1, A2, A3, A4, A5। अब A5 पे यहाँ पे कंपास रखेंगे। यहाँ पे हमने कंपास रखा और कंपास पे रख के यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो आर्क हमने यहाँ पर रखा था वही कंपास को नाप के यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक। देखते हैं इसमें कंपास का फीचर्स हो, कंपास का फीचर्स नहीं है। तो
इसमें से हम आप ये देखिए, यहाँ से मैंने वो लिया था कंपास और ये आग ड्रॉ किया था, उसी को यहाँ पे A5 पे कंपास को रख के ये आग ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास को एक्सटेंड करना है, यहाँ से लेकर लेंथ नापनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है उसी को आग ड्रॉ करना है यहाँ तक। अब देखिए इसके जो पैरेलल में ये A5 जुड़ जाएगा, ये ऐसे टाइप का, इसी का पॉइंट हमारा जो हो जाएगा, इसको पॉइंट दे दो P, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस जो पॉइंट में जो P बना, AP, ये हमारा हो गया पैरेलल टू A5, जो हमारा A5 है, जो हमारा A5 है वो किसके पैरेलल है, B A35, जो PA5 है वो किसके पैरेलल है, BA5 पर, क्योंकि ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब जस्टिफिकेशन पे हम आते हैं, तो जस्टिफिकेशन में क्या देंगे, जो A5 और P की जो लाइन है वो पैरेलल है BA13 की, तो BA13 के पैरेलल है, तो देयरफोर जो ट्रायंगल है AP A5 वो सिमिलर है ट्रायंगल AB A30 के। जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हमारा जो AP है और हमारा PB है इक्वल्स टू जो A5 है, A A5 है और A A30 है वो किसके इक्वल होगा, AP, जो कंस्ट्रक्शन से आप देखिए AP की जो लेंथ देखेंगे वो कितना दे, वो कितना है 5, अगर आप स्केल से भी नापेंगे ना तो आपको भी आंसर मिल जाएगा, तो A30 के इक्वल होगा, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन से प्रूव हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप जैसे देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 का 11.1 एक्सरसाइज है। अब देखिए इसी 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 प्रकार से हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज भी देखें। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलेगा, सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल AB 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर दैट ट्रायंगल सिमिलर टू, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए